हेलो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो मैं नेचुरली जोडियक साइन के ऊपर बेस करके ही रीडिंग करती हूँ, पर आज हम बर्थ मंथ के ऊपर बेस करके रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लोग नवंबर मंथ में जन्म ग्रहण करते हैं, यानी जिन लोगों का बर्थ मंथ नवंबर है, उन लोगों का लव लाइफ कैसा होता है, उन लोगों का मैरिड लाइफ कैसा होता है। ओके, सो यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताने वाली हूँ। और ये रीडिंग बिल्कुल जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस है, यानी कोई भी इसे देख सकता है, कोई भी एज के पर्सन इसे देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के लोग ये देख सकते हैं। और जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचोगे तभी आपसे रेजोनेट हो जाएगी, यानी एक साल बाद, 10 साल बाद, या फिर एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। ओके, सो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचोगे तभी आपसे रेजोनेट हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव रहें। फर्स्ट हम आपके लव लाइफ देखने वाले हैं कि जो लोग नवंबर मंथ में जन्म लेते हैं उन लोगों का लव लाइफ कैसा होता है। ओके, सो देख लेते हैं। यहाँ पर है डेथ, इसे देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर है टावर और यहाँ पर है द एम्प्रेस। सो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इन लोगों का जो लव लाइफ होता है बहुत ज़्यादा अलग होता है, हटके होता है। ये लोग अपने लव लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इन लोगों की जो लव लाइफ है उसको देखकर बाकियों की जलन होती है, और इसके वजह से ही मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कुछ लोग आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट कर देते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, और इससे आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाती है। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर कॉमन दिख रही है। आप लोग बहुत आसानी से बाकियों के विश्वास में आ जाते हो, और यहाँ से मुझे दिख रही है इन लोगों के लव लाइफ में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रहती है, और इसके दौरान ही कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसी की चांस भी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कुछ लोग फेस करते हैं। और जो लोग नवंबर मंथ में जन्म लेते हैं उन लोगों के लव लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन की एंट्री होती है, यानी आप एक से ज़्यादा पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव तो होते हो, पर एक्चुअल में किसी एक पर्सन को ही आप प्यार कर पाते हो। आपके मन में गहराई तक किसी एक पर्सन ही जा सकती है, किसी एक पर्सन के लिए ही आप अपना जान लुटा सकते हो। ओके, तो प्यार तो आप किसी एक पर्सन को ही करते हो, पर अट्रैक्टेड बहुत सारे लोगों की तरफ हो जाते हो। और मुझे दिख रही हैं इन लोगों के लव लाइफ में ब्रेकअप होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ब्रेकअप हो जाती हैं। आप लोग टेम्पर लूज कर देते हो बहुत जल्द, पर एक्चुअल में आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, ध्यान रखते हो। जब आप किसी पर्सन को प्यार कर लेते हो तो आप उसके लिए पूरी जान निछावर कर देने के लिए भी राज़ी होते हो। और यहाँ से मुझे दिख रही हैं इन लोगों को, कोई एक इंसान जब प्यार करता है, इनके लाइफ में सच्चा प्यार आता है, पर ये लोग समझने में देर कर देते हैं। जब वो प्यार आपसे बिछड़ने लगता है तभी आप समझ पाते हो उनका वैल्यू। यहाँ से मुझे दिख रही है आपके आसपास ही सच्चा प्यार रहता है, पर आप लोग देख नहीं पाते हो उस इंसान को, उस टाइम पर समझ नहीं पाते हो। 100 में से 80% लोगों की जो लव लाइफ है उनको लास्ट मोमेंट में उनका सच्चा प्यार मिलता है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा होता है, मैरिज के बाद आप लोगों का लाइफ कैसा होने वाला है। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। ओके, सो यहाँ पर है प्लेशर। ओके, सो आप लोगों का लव लाइफ से ज़्यादा मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही है मुझे, लीडरशिप, सो डेफिनेटली। और यहाँ पर है सिंप्लिसिटी, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से पीसफुली जीते हुए दिख रहे हो मैरिड लाइफ में, यानी आपके मैरिज के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। आपके साथ आपकी पार्टनर की, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे, और आप अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के बनते हुए दिख रहे हो, यानी आप वहाँ पर लीडर बनते हुए दिख रहे हो। आपके कथन के अनुसार ही वहाँ पर बहुत सारे काम होता हुआ दिख रहा है मुझे, आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाएगा, प्यार किया जाएगा।
ओके और शादी होने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो, यानी आपके लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस, प्यार, मनी, पैसा सब कुछ आता हुआ दिख रहा है, सुख शांति विराजती हुई दिख रही हैं। ओके सो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हुआ दिख रहा है, आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बिताने वाले हो, बहुत ज़्यादा खुशी दिख रही है आपके लाइफ में ओके शादी के बाद। और यहाँ पर देख सकते हो आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, खुद को बहुत ज़्यादा लाइट फील करने वाले हो, आपको ऐसा लगेगा कि लव लाइफ में जो भी हुआ है आप पास्ट की बातें पूरी तरीके से भूलकर अपने मैरिड लाइफ को जीते हुए दिख रहे हो। सो जिन लोगों की बर्थ मंथ नवंबर होता है वो लोग मैरिड लाइफ की तरफ से बहुत ज़्यादा लकी होते हैं ओके उनके लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स का अंत हो जाता है उनके शादी के बाद। सो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे आप लोगों का लव लाइफ से ज़्यादा मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही है मुझे, मैक्सिमम लोगों की तो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर दिख रही है मुझे नवंबर मंथ में जो लोग जन्म लेते हैं उन लोगों का मैक्सिमम टाइम यानी 100 में से 60% लोगों का लव मैरिज होता है और 40% लोगों का अरेंज मैरिज होता है और अपने शादी से सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं ओके सो चलिए ओके बाय।